नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। वीरभद्र सिंह को धनशोधन मामले में ईडी का समन। झारखंड में हिरण की हत्या के लिए दो गिरफ्तार। ओडिशा में हिंसा प्रभावित भद्रक में कर्फ्यू में ढील। छत्तीसगढ़ के रायपुर के होटल में आग से चार की मौत। यूनिटेक के निदेशकों को 3 महीने की अंतरिम जमानत। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह तथा अन्य के खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में वीरभद्र सिंह को एक बार फिर समन जारी किया है। कांग्रेस नेता को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 13 अप्रैल को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक हिरण की हत्या के लिए सोमवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार से एक राइफल और 40 कारतूस बरामद किए हैं। ओडिशा की हिंसा प्रभावित भद्रक शहर की स्थिति में सुधार होने के बाद सोमवार को प्रशासन ने कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी, लेकिन सोशल मीडिया मंच अभी भी ब्लॉक है। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षिक संस्थानों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को मंगलवार से खोला जाएगा। रायपुर के गोलबाजार थाना क्षेत्र के रहमानिया चौक की संकरी गली में बने तुलसी होटल में सोमवार सुबह आग लग गई। आग से 4 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों को अग्निशमक दस्ते के जवानों और स्थानीय लोगों ने बचा लिया। यूनिटेक के प्रबंध निदेशकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी है। आर्थिक अपराध शाखा ने संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर कथित रूप से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने तथा ग्राहकों का धन बेईमानी से हड़पने के आरोप में मामला दर्ज किया है।